प्रशांत मेरे साथ है। प्रशांत, वो जो उत्तर प्रदेश की बात में शाजिया से पूछ रही थी, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा डेंट क्या वाकई देने जा रहा है, ये बिलीव होता है, ये बिलीवेबल लगता है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम डाटा की बात करें और जिस तरीके के रुझान अभी आ रहे हैं, उसमें जो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लीड ले रही है, कांग्रेस 7 सीटों पर लीड ले रही है, उसमें 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर लीड का मार्जिन जो है वो करीब 20 से 50 हजार के आसपास का मार्जिन है। 2 सीटों पर तो 50 हजार के ऊपर का मार्जिन चल रहा है। समाजवादी पार्टी भी जहां पर लीड ले रही है, समय रुझानों की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सीट्स पर उनका जो बढ़त है वो काफी ज्यादा है। और ये बढ़त मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी का कार्ड था, जैसे अलीगढ़ में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जब मंगलसूत्र की बात की और जो हिंदू मुसलमान की बात हुई वहां पर, उस कार्ड को अगर देखा जाए तो इन्होंने जाति के आधार पे उसको काटा है। जो धर्म का कार्ड था उसको जाति समीकरण के आधार पे जो टिकट बंटवारे किए गए इंडिया ब्लॉक के जरिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी ने किए हों या फिर कांग्रेस ने दिए हों, तो वो जो जातिगत समीकरण जो बनाए वो समीकरण हावी पड़ रहे हैं। वो विकास के मॉडल के ऊपर, वो धर्म के मॉडल के ऊपर, विकास की कार्ड के तौर पे स्थानीय मुद्दों को लिया गया, जहाँ पे जो एंटी इनकम्पेंसी थी उसको लिया गया। इसके अलावा जो विकास का मॉडल था उसको बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय मुद्दों के द्वारा उसको काटने की कोशिश की गई और इसमें सफल होते हुए दिखा।